हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। जितने भी आज मैं थ्योरी डिस्कस करूँगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आते ही हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है, इसको हम लोग इस टाइप से डिनोटेड करते हैं। इसको हम लोग एक सिंगल एरो से हम लोग डिनोटेट करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। और इसको हम लोग डिनोटेट करते हैं इस टाइप का साइन से, एरो के चिन्ह से। तो फ्रेंड्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फ्रेंड्स इरिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ थर्मल रिएक्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन एन ओपन वेसल इज इरिवर्सिबल। फ्रेंड्स, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग ओपन वेसल में करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग ओपन वेसल में करते हैं। तो फ्रेंड्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन में, क्योंकि जब हम लोग CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देगा। CO2 तो आपको पता है ये एक गैस है। तो फ्रेंड्स, ओपन वेसल है, ये आपका पैक नहीं है, ओपन है, तो गैस है तो उड़ जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा। तो मतलब आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नहीं बनेगा। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग ओपन वेसल में करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में, ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग ओपन वेसल में करते हैं, इरिवर्सिबल में। अगला हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स इरिवर्सिबल। फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में कराते हैं, इरिवर्सिबल में। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, HCl प्लस NaOH, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इन दोनों के बीच में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इरिवर्सिबल में, तो NaCl प्लस H2O बनता है, NaCl से प्लस H2O बनता है। फ्रेंड्स, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में है, मतलब जो NaCl प्लस H2O जो प्रोडक्ट बनेगा, उससे फिर इसको जब हम लोग फिर से रिएक्ट करेंगे तो आपका HCl प्लस NaOH नहीं बनेगा, तो मतलब आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है हम लोग का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, इट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग का दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो चार्ज फॉर्म करता है, प्लस माइनस Ag प्लस NO3 माइनस K प्लस Cl माइनस। फ्रेंड्स, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आयन अनायन है जो है चार्ज फॉर्म करता है, वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल में, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। तो AgNO3 प्लस KCl को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं,
तो आपका AgCl प्लस KNO3 बनता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में कराते हैं इरिवर्सिबल में, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज जनरल इरिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रेंड्स कंबशन रिएक्शन में हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कराते हैं इरिवर्सिबल में, तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स अब अभी तक हम लोगों ने देखा था इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल होता क्या है वो हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग का प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग इससे डिनोटेड करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को इससे डिनोटेड करते हैं। और ये याद रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनेगा एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या, तो फ्रेंड्स इरिवर्सिबल में आपका था, इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका था रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता था, और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनेगा एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स ये बस आप याद रखिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ रिएक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन इसको आप एग्जांपल कॉमन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कॉमन एग्जांपल मान लीजिए वाटर। फ्रेंड्स जब हम लोग वाटर को जब हम लोग फ्रीजर करते हैं तो वो आइस बनता है, एंड जब आइस बनता है मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो गया, वाटर आपका रिएक्टेंट हो गया एंड प्रोडक्ट, और जो आइस जो फॉर्म होगा जब हम उसको फ्रीजर करते हैं तो वो हम लोग का प्रोडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स वाटर को जब हम फ्रीजर करते हैं तो वो हम लोग का आइस बनता है, वाटर को हम लोग जब फ्रीजर करते हैं तो हम लोग का आइस बनता है। तो फ्रेंड्स और जब हम लोग आइस को जब हम लोग हीट करते हैं गर्म करते हैं तो वापस से वो वाटर बनता है, मतलब इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब वाटर से आइस भी बन सकता है एंड आइस से वाटर भी बन सकता है। तो बस इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को भी देखते हैं। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी बनता है एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, बस इसको आप याद कर लीजिए। एग्जांपल हम लोग देखते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन इन अ क्लोज्ड वेसल। फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन आपका क्लोज्ड वेसल में होता है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था। फ्रेंड्स इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन ओपन वेसल में होता है, ओपन वेसल में होता है, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन आपका क्लोज्ड वेसल में होता है, क्लोज्ड वेसल में होता है। बस इतना डिफरेंस याद कर लीजिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका ओपन वेसल में होता है, ओपन वेसल में होता है, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका क्लोज्ड वेसल में होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बस ये सब आपको डिफरेंस याद करना होगा। बस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। फ्रेंड्स ये क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड वेसल मतलब पूरा पैक है, मतलब जो CO2 जो गैस फॉर्म होता है, CO2 आपका गैस है, जब ये गैस फॉर्म होता है तो बाहर नहीं जा पाता है, इसका मतलब होता क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फिर से रिएक्ट करते हैं जब हीट इसको जब फिर से हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बनता है, क्योंकि क्लोज्ड वेसल में है, मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन को जब हम लोग क्लोज्ड वेसल में कराते हैं तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी बनता है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 2KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं 2KCl प्लस 3O2 बनता है। इसी प्रकार भी फ्रेंड्स प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी बनेगा, क्योंकि जब हम लोग क्योंकि क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड वेसल में मतलब जो गैस जो फॉर्म होगा वो बाहर नहीं निकल जाएगा, तो हीट तो पहले से ही है तो फिर से दोबारा रिएक्ट हो जाएगा एंड देन फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। जो रिएक्टेंट था उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट देगा, फिर प्रोडक्ट जो क्लोज्ड वेसल है तो जो गैस फॉर्म होता है बाहर नहीं निकल पाता है, तो फिर हीट तो पहले से ही था तो फिर ये रिएक्ट हो जाता है एंड देन फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। बस डिफरेंस जो है
इरिवर्सिबल रिएक्शन में ओपन वेसल में होता था एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में क्लोज्ड वेसल में होता है। और क्लोज्ड वेसल में होता है जिसकी वजह से दो प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट हो जाते हैं और फिर से रिएक्टेंट बनाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनता है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ओनली बनेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच आदर एसिड और बेस और बोथ आर वीक। फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन में, फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस या एसिड एसिड होगा या तो बेस बेस होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड बेस का रिएक्शन होगा वो आपका वीक का होगा, वो आपका वीक के साथ होगा। इतना बस डिफरेंस है। और हम लोगों ने देखा था रिवर्सिबल रिएक्शन में, फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका एसिड बेस हेड या बेस एसिड का हम लोग का वीक का होता है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा डिफरेंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होता था एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका वीक एसिड बेस के साथ होता है। बस इतना याद रखिएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3COOH प्लस NaOH को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का तो CH3COONa प्लस H2O बनता है, H2O बनता है। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग का HCl प्लस NH4OH स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से हम लोग का NH4Cl प्लस H2O बनता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता था, मतलब स्ट्रॉन्ग के साथ होता था। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिवर्सिबल में होता है आपका वीक एसिड वीक बेस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ होगा। बस इतना डिफरेंस रखिएगा, रिवर्सिबल में एक स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड एक वीक रहेगा, इतना बस याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने एग्जांपल बताए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रिएक्शन दिया जाएगा और आपको पूछा है आपको कौन सा रिएक्शन का, प्रेसिपिटेशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है या न्यूट्रलाइजेशन। बस जो डिफरेंस है उसको आप याद रखिएगा, अदरवाइज आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने जितने भी करवाए हैं थ्योरी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। बस ये जो डिफरेंस है उसको बस याद रखिएगा एंड जो एग्जांपल है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आते ही है क्वेश्चन नीड में इस टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।